Now, Sri Anil Madhava Dave. धन्यवाद उपसभापति जी। इस देश के अंदर छोटी बड़ी बातों के लिए सब जगह रेगुलेशन है। केबल के लिए रेगुलेशन है, मोबाइल के अंदर है, खाने की चीज़ों में है, दवाइयों में है, लेकिन इस देश का 50% से ज़्यादा पैसा जिस सेक्टर के अंदर घूमता है, और वो वास्तव में घूमता है, ऐसा नहीं है कि कोई सौदा हो गया और लेन देन पे शाम को हिसाब हो रहा है, चाहे जमीन हो, चाहे भवन निर्माण की सामग्री को खरीदना हो या कंज्यूमर उसे खरीद रहा हो, हर क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो रियल इस्टेट है। और मैं 2013 से लगाकर 2016 तक जिस जिस सरकारों ने, व्यक्तियों ने, मंत्रियों ने इसे छुआ है, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस सेक्टर का बहुत ज्ञान नहीं था। जब देश भर में इस समिति के साथ में घूमना हुआ तो मैंने देखा कि अरे ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आज इस देश के अंदर एक रेगुलेशन उस फील्ड में बनने जा रहा है जिसके अंदर इस देश का जो वित्त है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा घूमता है, और उसके अंदर रेगुलेशन आएगा। जैसा मंत्री जी ने कहा, वेंकैया जी ने कहा कि कुछ आज होगा, कुछ कल हो जाएगा, लेकिन शुरुआत हो जाएगी तो हम कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। ये जब सिलेक्ट कमेटी की जवाबदारी मेरे पास आई, उसके बीच में मुझे ब्रिटेन जाने का अवसर आया, तो मैंने देखा कि वहाँ के सेक्टर को समझने की कोशिश की, और वहाँ एक दो लोग दूसरे देशों से आए थे, उनसे भी पूछा कि आपके यहाँ रियल इस्टेट को लेकर के क्या है, तो ध्यान में आया कि बिल्कुल ही दुनिया अलग है। तो मैं सोचने लगा कि ऐसा कभी हमारे देश में भी होगा, ठीक ऐसा ही हो जाएगा। आज जो शुरुआत हुई है वो निश्चित ही कुछ समय में, 2 साल बाद, 5 साल बाद, वैसी ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगी जैसी हम कल्पना करते हैं। ये बिल उपभोक्ता को कांच के घर के अंदर झांकने के लिए ताकत देता है, आकार देता है, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करने के पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, आज क्या होता है, एक विज्ञापन आता है, एक खूबसूरत विदेशी लड़का लड़की, उसके साथ एक दो बच्चे, और एक पीछे मकान बना हुआ है, और मकान बहुत अनादि काल से किसी भी नए गृहस्थ का स्वप्न होता है कि मेरा मकान होना चाहिए, भले वो सपना वो रिटायरमेंट के समय पूरा होता है, 30-40 साल तक वो प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, क्या क्या नहीं बचा करके अपना घर बनाने की सोचता है, और वो जब कभी बेड बिल्डर्स के पास चला जाता है, उसके हाथ में फंस जाता है। तो जब घूमते हुए मेरे पास में कई, जो हमारी समिति के सामने कई कंज्यूमर्स आए और उन्होंने अपना दर्द बताया, उस रिटायर्ड आदमी की पीड़ा को सुन करके लगता था कि इसको अभी पास कर दो यार, बम्बई में ही पास कर दो, मुंबई में, ऐसा लगता था कि इसको यहीं पास करो, लेकिन विधान है, अपनी प्रक्रियाएँ हैं, उससे ही काम होता है। तो व्यक्ति का ये जो स्वप्न है, ये विज्ञापनों के अंदर जैसे कि वादे और इरादे किए जाते हैं और बातें कही जाती है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसे सारे स्वप्न दिखाए जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर डिज़ाइन की हुई चित्र दिखा करके हम उसको कहते हैं कि तेरा घर ऐसा होने वाला है, और जब वो यथार्थ में जाकर के खड़ा होता है तो उसका स्वप्न धूमिल हो जाता है, भंग हो जाता है। लेकिन सच ये है कि इस बिल के माध्यम से अब भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा विज्ञापन नहीं दे पाएगा जैसा उसको बना करके देना है, दिखाने और देने के बीच में अंतर नहीं रहेगा, आप वही दिखाएंगे जो आप देंगे, जो दिखेगा वही बिकेगा,
और सच को दिखना अपने आप में सब कुछ है, और केवल विज्ञापन ही नहीं, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसको अपने अपनी सारी जानकारी देना पड़ेगी। जैसा लोग मुझसे मोबाइल नंबर लेते हैं, मैं पूछते हैं, मैं उनसे कहता हूँ आप वेबसाइट पे चले जाइए राज्यसभा की, मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस का ब्लड ग्रुप भी बता देगा, वो सब कुछ मिल जाता है वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे पूरा प्रोजेक्ट होगा, और केवल प्रोजेक्ट ही होगा, उसके 5 साल के अंदर उसने कौन कौन से किए, उसके कंज्यूमर कौन थे, उनकी रिपोर्ट क्या है। होटल का कमरा बुक करने जाते हैं तो हम बोलते हैं रिव्यू देख लो, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 का कमरा देखने लेने में हम 10 रिव्यू पढ़ते हैं कि अगर मैं उस शहर में जाऊंगा तो इस होटल में रुकूं कि नहीं रुकूं, रिव्यू क्या है। 25 लाख 50 लाख का मकान लेने जा रहे हैं और रिव्यू नहीं जान रहे कि बिल्डर का के लिए रिव्यू क्या है। इसकी वेबसाइट पर अब रिव्यू होगा, उसकी डिटेल जानकारी होगी, और फाइनेंशियल उसके क्लोजर्स भी होंगे, वो एकदम कांच की तरह खुला है और कंज्यूमर उसको पढ़ सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, किसी पुराने कंज्यूमर से बात कर सकता है। अपने आप में ये ट्रांसपेरेंसी गुड गवर्नेंस का भी हिस्सा है, कंज्यूमर की रक्षा के लिए भी ज़रूरी है और अच्छे बिल्डरों के लिए भी ज़रूरी है। बिल्डर की ओर ये दृष्टि रखना कि ये सब खराब होते हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं खुद ऐसे कई बिल्डरों को जानता हूँ जो इतने अच्छे मकान बना करके देते हैं तो अपनी बहन को कहने की इच्छा होती है एक तू भी ले ले, ये कहने की इच्छा होने लगे। ऐसे बिल्डरों की कमी नहीं है देश में, ये बात अलग है कि उसके अंदर बैड बिल्डरों की संख्या बढ़ रही है। ये बिल पास होने पर एक चैनल ने मुझे बुलाया नोएडा में कि आप हमारे यहाँ डिबेट में आइए। मैं गया तो रास्ते में मैंने देखा कि लोग एक फोल्डिंग टेंट्स के अंदर चीख चीख करके प्लॉट बेचने और प्लॉट खरीद लो ऐसा चिल्ला रहे थे, मेरे लिए पहला दृश्य था। मैंने अपने जो लेने आए थे चैनल के उनसे पूछा ये क्या बेच रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में कल्पना थी कि भोपाल या इंदौर के अंदर बस स्टैंड के बाहर पूड़ी सब्जी वाले एक रस्सी पकड़ करके चिल्लाते हैं आ जाओ मेरी दुकान में आ जाओ पूड़ी सब्जी ले, तो मैंने समझा ऐसा ही कुछ तो नहीं बेच रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये फ्लैट बेच रहे हैं, और मैंने कहा 1-2 लाख के बेच रहे, बोले नहीं 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ के फ्लैट बेच रहे हैं, जहाँ फ्लैट 2,000-5,000 का लड़का सड़कों पे ऐसे खड़े होकर के बेच रहा हो तो चिंता सेक्टर की होती है। चिंता ये होती है कि ये माल ऐसा कैसे हो रहा है और इस सेक्टर में हो क्या रहा है, और उसको लेकर के अंतोगत वो बात मुझे उस चैनल में कहना पड़ी कि भाई अगर इंग्लैंड में मैं मकान लेने जाऊंगा तो उसके लिए जो उसका मध्यस्थ है जिसको हमने दलाल कहा है, मैं यहाँ उसको ब्रोकर कह रहा हूँ, उसकी भी जवाबदारी है, और वो इतनी जवाबदारी है वहाँ पर कि वो करीब करीब ना खरीदने वाला बेचने वाले को जानता है, ना बेचने वाले खरीदने वाले को जानता है। ये जो बीच का व्यक्ति है ये न केवल सक्षम है, न केवल समर्थ है, न केवल तकनीकी दृष्टि से समर्थ है, कानून की दृष्टि से समर्थ है, और वो दोनों की रक्षा करता है, और उसको कहना है कि मेरे को 5% लेना है 10% लेना, वो लेता है। तो ये एक अच्छी व्यवस्था का लक्षण है, और उसके ठीक विपरीत मैंने देखा कि रेगुलेशन नहीं होने के कारण सड़कों पर फ्लैट बेचने के लिए, और वहाँ जाके मालूम पड़ा कि 75,000 से ज़्यादा फ्लैट खाली हैं। तो उसका कारण यही होता है कि इस प्रकार के सेक्टर्स के अंदर जब रेगुलेशन नहीं होता है तो अव्यवस्था होती है, और अव्यवस्था का लाभ हमेशा अपराधियों को मिलता है, गलत लोगों को मिलता है, और अच्छे लोग किनारे खड़े हो जाते हैं, वो भीड़ में धक्का मुक्की नहीं करता, वो मैं वो नहीं कहता कि मैं धक्का मार के मंच पे चढ़ूंगा, अरे मेरे को ये बोलने दो, अरे मेरे को, वो खड़ा रहेगा, ठीक है आपकी इच्छा हो तो आप करिए, नहीं तो हमको नहीं करना। इसलिए ये अच्छे बिल्डरों के प्रमोशन का है, और ये बिल के लिए कई लोगों ने मुझसे कहा अरे इस बिल के आ जाने से जो है सेक्टर के अंदर एक कमी आ जाएगी। मैं दावे से कह सकता हूँ जितना अध्ययन है उसके आधार पर और जितना मैं वित्त को जानता हूँ, देश की अर्थव्यवस्था को जानता हूँ, इस बिल के आने के बाद इस सेक्टर के अंदर बूम आएगा, बिल्डर्स को भी आएगा, कंज्यूमर को भी आएगा, और ये कंज्यूमर आगे बढ़ेगा उसको लेकर, और कंज्यूमर के हितों की रक्षा होगी। एक बहुत अच्छा काम ये हो रहा है कि इसके अंदर एक शब्द स्पष्ट हुआ है जो मंत्री जी कह रहे थे, उसको कारपेट एरिया के नाम से हमने, कंज्यूमर को नहीं मालूम होता है कि ये अलग अलग शब्द क्या हैं, बिल्ट अप एरिया, कारपेट एरिया, पूरे देश के अंदर अगर एक विधा चलने लग जाए कि ये कारपेट एरिया और ये कारपेट एरिया की डेफिनेशन है,
कि दीवार के एक तरफ से दूसरी तरफ तक जो यूजेबल एरिया है और उसके अतिरिक्त बाहर की जो दीवारों के क्षेत्र हैं बाकी क्षेत्र हैं वो उससे अलग है, तो कम से कम ये तो समझ में आएगा कि मैं जो भुगतान कर रहा हूँ ये किसका कर रहा हूँ। और कारपेट एरिया को कोई भी समझ लेगा और सामान्य आदमी भी समझता है कारपेट का मतलब होता है वॉल टू वॉल कारपेट, एक दीवार से दूसरी दीवार के बीच का जो अंतर होता है वो कारपेट एरिया है। तो ये बिल भी एक सामान्य उपभोक्ता को संरक्षित कर रहा है कई प्रकार के शब्द जालों के बीच में, और इस शब्द जालों से वह ठगा नहीं जाएगा, वो कारपेट एरिया के माध्यम से अपने को प्राप्त होने वाले कुल भूखंड या फ्लैट या जो हिस्सा उसके हिस्से में आ रहा है उसकी कुल लंबाई और चौड़ाई को समझ सकेगा। ये बिल एक बहुत बड़ा काम और कर रहा है, ये वाटर कंजर्वेशन और एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर उपभोक्ता ही नहीं निर्माण करने वाले एलॉटी जो भवन बना रहा है उसको ये सुनिश्चित कर रहा है कि उसको ये दोनों काम करना पड़ेंगे, और बाद के उपभोक्ताओं को उसको संरक्षित करना पड़ेगा क्योंकि ये भविष्य की समस्या है। और पानी सब जगह, यानी जैसे कहते हैं ना सबको जमुना से पानी चाहिए, लेकिन जमुना कहाँ से लाएगी इसका कोई हिसाब नहीं है। और प्रत्युत्तर में हम जमुना को क्या दे देते हैं, ये तू मेरा 1 करोड़ लोगों का कचरा ले जा भैया इसके लिए तू। तो हर आने वाला भविष्य का प्रोजेक्ट, हर आने वाली कॉलोनी, हर आने वाला मकान इस बात के लिए होगा कि उसे जल प्रबंधन के क्षेत्र में और ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र के अंदर उन सारे नियमों के आधार पर काम करना पड़ेगा जो राज्य सरकारों ने बनाई, जो केंद्र सरकार के द्वारा बनी हुई है या किसी और बॉडी नगर निगम नगर पालिका उससे बनी है, जो स्थानीय नियमों हैं उन नियमों के अधीन कम से कम जल प्रबंधन और वायु और ऊर्जा प्रबंधन पर काम करना पड़ेगा क्योंकि ये भविष्य की बहुत बड़ी समस्या है। और प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने भाषण में यहाँ कहा भी था और ये बात भी सही है, पूरे विश्व के अंदर इसको लेकर के बात हो रही है, लेकिन अगर जल बचाना है तो एक लोटे की चिंता करना होगी। ये उदाहरण मैं पहले दे चुका हूँ, यहाँ फिर से देना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि इसके इससे अच्छा बेहतर उदाहरण नहीं मिलता। गांधी जी का हाथ धुलवा रहे थे जवाहरलाल जी, आधा लोटा जब चला गया तो गांधी जी ने कहा अरे क्यों, तो उन्होंने कुछ कहा उनको, तो उन्होंने कहा नहीं ये एक लोटा भी महत्वपूर्ण है। दिस गांधीयन वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, दिस गांधीयन वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द ओनली वे ऑफ क्लाइमेट चेंज। भाषण देते रहिए दुनिया में जो देना है, अगर आप पर्यावरण में कोपेनहेगन डरबन इधर उधर दुनिया की जो बातें करना हो करिए। मैं सारे सेमिनारों में गया हूँ और सबको सुबह से रात तक सुनता रहता हूँ, और मैं वक्ता अच्छा नहीं हूँ लेकिन लिसनर बहुत अच्छा हूँ, घंटों बाद भी थकता नहीं हूँ। और मैं थक थक के इस निष्कर्ष पे पहुँचा कि ये कहीं नहीं पहुँचेंगे क्योंकि इनके पास गांधी नहीं है और हमारे पास गांधी है, इसलिए हमारे पास जवाब है। उनके पास राहुल गांधी है, उनके पास राहुल गांधी जी 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 उनके पास राहुल गांधी देखिए विवाह देखिए स्वयंवर में सबको अपना अपना वर चुनने की इच्छा है, आप चाहे जिसके गले में वरमाला डाल सकते हैं, बहुत गांधी है। हाँ जी जी और जी दूसरा एक बहुत बड़ी बात थी जिसको हमने वो किया है कि जब बिल्डर्स का काम खत्म हो जाएगा अलॉटमेंट के साथ में पोजेशन के साथ में, उसके बाद जो समिति बनेगी उस फ्लैट उस बिल्डिंग में रहने वालों की या उस कॉलोनी की, उसके अंदर बल्क परचेजर भी हो सकते हैं। तो हमने कहा कि बल्क परचेजर रहेगा लेकिन उसका वोट एक ही रहेगा, ये नहीं हो सकता कि आप 10 फ्लैट ले लेंगे और आपके 10 वोट हो जाएंगे और आप भविष्य में या बनते हुए निर्माणाधीन भवन के अंदर कोई परिवर्तन कर देंगे क्योंकि उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए आपको, वो 2/3 बहुमत बल्क परचेजर के हाथ में नहीं जा सकता, वो उसके ओरिजिनल कंज्यूमरों के हाथ में रहना चाहिए। इस प्रकार की बहुत फाइन ट्यून बातें जो हैं वो शैलजा जी से लगाकर यहाँ तक आते हुए इस समिति के प्रत्येक सदस्य ने बहुत चिंता करके काम की थी किया है, और इसके लिए मैं समिति के सभी सदस्यों का बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका इतना कोऑपरेशन रहा, इतने अच्छे से काम किया। ये चेयरमैन की तो ऐसी बड़ाई होती रहती है, लेकिन अगर ये टोटल है, दिस इज सम टोटल ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी दो विच वॉज टूडे और यस्टरडे, इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई।
हाँ धन्यवाद। ये जो 70% और 500 मीटर वाला विषय है, मुझे लगता है धीरे धीरे चलें तो ये काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बिल्डर हैं, जो बड़े सामान्यतः डिफॉल्टर्स बड़े लोग हैं, सामान्यतः गड़बड़ झाला जो है वो ऊपर वाले लेवल पर ज़्यादा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी चीज़ें अगर पहले हाथ में आ जाएगी, और जैसा मंत्री जी कह रहे थे कि फेज़ वाइज इसका विकास होगा, निरंतर क्रमागत विकास के द्वारा ही हम इसको पूरा कर पाएंगे। 2010, 20, 25 तक आते आते ये अपने आप में एक बहुत परफेक्ट बिल हो जाएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और एक और अच्छी चीज़ है जो मुझे चेन्नई के अंदर और मुंबई के अंदर जब फोटोग्राफ बताए गए कंज्यूमरों ने कि ये हमको अलॉटमेंट में मकान मिला है, उसके अंदर व्यक्ति तो क्या, व्यक्ति ने अगर कोई जानवर भी पाला हो तो उसमें नहीं रख सकते, वो बिल्डर ने बना करके उसको अलॉट कर दिया। तो देख करके बहुत बुरा तो लगा, लेकिन फिर लगा कि बनने के बाद अगर कोई डिफॉल्ट आता है तो क्या होना चाहिए। तो उसके अंदर 2 साल का विषय था कि 2 साल के अंतर्गत निर्माणाधीन विषय के अंदर कोई त्रुटि है तो उसे दूर की जा सकती है, लेकिन बाद में वो 5 साल कर दी, क्योंकि निर्माण में त्रुटि आने में कभी कभी लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो है वो कई बार बहुत देर से दिखता है, तो उसके दिखने में कंज्यूमर का नुकसान नहीं होना चाहिए। कई प्रकार के, जैसा कहा गया कि भूमि पर स्वामित्व को लेकर विवाद कई बार बाद में आता है, इन सारी चीज़ों को बीमा से भी रक्षा है, और इन सारी चीज़ों के अंदर अलॉटी या निर्माणाधीन निर्माण करने वाले व्यक्ति को भी उसकी चिंता करना पड़ेगी, वो 5 साल तक उस विषय को देख सकता है। और मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार का भय का कोई विषय नहीं है, जेल वाला विषय। इंश्योरेंस के अंदर अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर उसका जो अमेंडमेंट बिल 2015 है, उसके अंदर अगर आप बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई पॉलिसी को फ्लोट करते हैं तो आपको 10 साल की सजा। तो ये कहीं ना कहीं शासन के व्यवस्था का ये हिस्सा तो होना ही चाहिए, और मुझे लगता है कि इन सारी बातों को लेकर के ये बिल जो इस सदन के सामने है, सदन के सभी सदस्य इसको सपोर्ट कर ही रहे हैं, और ये भविष्य के अंदर एक अच्छा बिल बन के, और मैं आपको बता रहा हूँ आज इस देश के अंदर ये बिल पास होने के बाद में आज इस देश के अंदर कोने कोने के अंदर जो कंज्यूमर हैं वो शाम को निश्चित ही हलवा बनाएंगे, क्योंकि प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी से जब मकान खरीदा जाता है ना, उसकी पीड़ा कोई कर्मचारी ही समझ सकता है, उसकी पीड़ा कोई मध्यम वर्गीय परिवार ही समझ सकता है। जिसका होटल का बिल ही 20,000 आ रहा, उसको ये नहीं समझ में आएगा कभी, वो कभी नहीं समझ सकता कि ये इसका कष्ट क्या है, और वो कष्ट वही समझता है, और उसमें भी अगर वो फंस चुका है किसी बैड बिल्डर के पास में तो उसके कष्ट की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उसको शायद वो पैसा मिले ना मिले, कम से कम वो ये तो कहेगा जैसा माँ बेटे से कहती, जा बेटा जहाँ रहना हो वहाँ सुखी रहना, हम ना कैसे भी रहेंगे लेकिन तू सुखी रहना, मेरा पैसा डूब गया कोई बात नहीं लेकिन भविष्य में किसी का नहीं डूबेगा। कम से कम उसके लिए, ऐसे कंज्यूमरों के लिए हमको रहना ही है, लड़ना ही है, और उसके लिए ये बिल लाना ही है। और इस बिल को रहते हुए और एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें कह नहीं सकता और कुछ कह सकता हूँ, मेरे को भी ये समझ में आया कि पावर कितनी है इस देश के अंदर, और कैसी कैसी पावर। अगर साउथ में बेंगलोर गया तो अलग पावर ने मेरे से प्रभावित किया, ऐसी पावर सुबह 7 बजे से पहले और रात को 10 बजे के बाद मिलती है, ये करो वो करो, दिल्ली जाओ तो अपनी समस्या, मुंबई जाओ तो अपनी समस्या, कलकत्ता जाओ तो अपनी पावर। लेकिन भगवान ने कृपा करी, भोपाल सब जगह, गांव-गांव के अंदर सब जगह है, लेकिन सब कुछ पूरा करके हम उनके दबावों को, पूरी समिति उस दबाव में नहीं आई, कोई सदस्य नहीं आया, और सारे सदस्यों ने उपभोक्ता और ये जो सेक्टर है इस सेक्टर के उत्थान के लिए पूरा, और सब ने इतने विवेक से और इतने अच्छे से उसके अंदर भाग लेकर के अच्छे अच्छे सुझाव दे करके जोड़े हैं, कि उस सब के लिए मैं पुनः समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।